हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जनरल साइंस की। फ्रेंड्स, ये यूपीएससी से लेकर कांस्टेबल तक के सभी पेपर्स में आती है। पीसीएसजे, एपीओ सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कंफर्म एग्ज़ाम में आता ही है। लाइट को जानने के लिए हम जानेंगे पहले वेव। वेव क्या करती है? एनर्जी को प्रोपोगेट करती है वन प्लेस से अनदर प्लेस पर। और यही वेव्स टू टाइप्स की होती हैं, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जो मीडियम में होती हैं, नीड्स ए मीडियम, सॉलिड, लिक्विड या गैस। लेकिन नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं जिन्हें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ट्रेवल कर सकती हैं वैक्यूम में। फ्रेंड्स, आपको यहाँ डायरेक्ट पॉइंट मिलेंगे क्वेश्चंस की तरह, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन बनेगा, नॉन मैकेनिकल वेव्स कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। इसी वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये भी याद रखिए। और नॉन मैकेनिकल वेव्स ट्रेवल करती हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट। फ्रेंड्स, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ये भी आप याद रखेंगे। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है, ये भी याद रखे, बन सकता है क्वेश्चन। वेवलेंथ होती क्या है? फ्रेंड्स, जैसे यहाँ एक पॉइंट है और ये एक लाइन है, अब इस तरह से वेव जाती है तो ये जो एक पूरा सर्कल सा कंप्लीट होता है, हाफ इधर और हाफ नीचे, इसे एक वेवलेंथ कहा जाता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं लाइट की। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, सेंस ऑफ विजन। एक ऑब्जेक्ट है, ये लाइट यहाँ से गई, रिफ्लेक्ट होकर जब आती है यहाँ, तब विजिबल होती है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और इसका नेचर होता है ड्यूअल नेचर। फर्स्ट होता है वेव, सेकंड पार्टिकल्स। अब देखते हैं कि पार्टिकल्स के रूप में भी होता है तो वो फोटोन होते हैं। वेव्स में क्या क्या होता है? परावर्तन, अपवर्तन, सीधी रेखा में गमन, विवर्तन, व्यतिकरण होता है और पोलराइजेशन, ध्रुवण भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स, स्पीड ऑफ लाइट क्या है? तो 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड इन वैक्यूम। फ्रेंड्स, आज हमने हिंदी की भी टर्म्स यूज़ किए हैं। फर्स्टली ये मेज़र की गई थी साइंटिस्ट ओले रिमर के द्वारा, ये डेनमार्क के थे और पहली बार मेज़र की थी 1676 में। इन डिफरेंट मीडियम्स भी देख लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट क्या है। जैसे वाटर में होती है 2.25×10^8 मीटर पर सेकंड और ग्लास में 2×10^8 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट, अब बात करते हैं वाटर में कितना होता है वैक्यूम, ग्लास, ये सब आप याद रखेंगे। फ्रेंड्स, तीनों इंपॉर्टेंट है। रॉक सॉल्ट, नियॉन, ये ऑयल, इसका इतना नहीं आता है, बट ध्यान रखेंगे, एक बार ज़रूर पढ़ लें। अब जो लाइट टाइम लेती है, सन टू अर्थ, सूर्य से पृथ्वी तक आने में समय, और मून टू अर्थ, फ्रेंड्स ये 18 सेकंड होगा, मून टू अर्थ 1.28 सेकंड लगता है। फ्रेंड्स, मून टू अर्थ भी याद रखिएगा। और लाइट ईयर डिस्टेंस होता है जो ट्रेवल करती है लाइट वन ईयर में, ये होता है 9.46×10^12 किलोमीटर, मीटर में भी आ सकता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, तो जो खुद की लाइट से चमकते हैं, जिनके पास खुद की लाइट होती है तो वो ल्यूमिनियस होते हैं। दे हैव दियर ओन लाइट, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, और अप्रदीप्त मतलब जिसके पास खुद की लाइट नहीं होती है, वो रिफ्लेक्ट होकर चमकते हैं, जैसे मून। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं पारदर्शक, अपारदर्शक और अर्ध पारदर्शक। पारदर्शक नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, लाइट क्लियर आ रही है, जैसे ग्लास या वाटर, कोई शेडो नहीं है, तो उसे पारदर्शक कहा जाएगा। अर्ध पारदर्शक जिसमें आधा दिखाई देता है, जैसे आप कोई भी ऑयल का पेपर ले लें और लाइट के पास देखें तो पूरी लाइट क्रॉस नहीं हो पाती है, उसे कहा जाता है अर्ध पारदर्शक। अपारदर्शक जिसमें अलाउ नहीं होता है, लाइट पास नहीं हो पाती है, जैसे आप कोई आयरन की रॉड या आयरन का कोई ऑब्स्टिकल लगा दें तो उससे लाइट क्रॉस नहीं होती है, तो उसे ऑपेक कहा जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन जाता है कि अपच्छाया और उपच्छाया किसे कहते हैं। कि कोई भी एक पोल है, बीच में एक ट्री है ये, जैसे अब इससे जब लाइट क्रॉस होगी तो आप देखते हैं एक शेडो बनती है इस तरह से, बीच में शेडो डार्क होती है और साइड में लाइट कलर की होती है। इस डार्क कलर वाले को हम
अपच्छाया बोलते हैं और लाइट कलर वाले को उपच्छाया बोला जाता है। फ्रेंड्स ये दोनों वर्ड्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। फ्रेंड्स कोई भी एक स्मूथ सा सरफेस है जैसे ये, अब लाइट आएगी इस तरह से और वापस जाती है इस तरह बाहर की साइड, तो इस रिफ्लेक्ट होने को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। फ्रेंड्स रिफ्लेक्शन भी दो तरह से, डिफ्यूज़ और रेगुलर। एक होता है कि ये प्लेन मिरर है, आप देख रहे होंगे, सेकंड वाले में नियमित जो है प्लेन मिरर है, लाइट इस तरह से आएगी और ये ऐसे जाएगी, आएगी जाएगी आएगी और जाएगी। लेकिन अगर ये प्लेन सरफेस नहीं इस तरह से, तो लाइट आएगी जाए कहीं से भी आएगी जाएगी, प्रसारणीय होता है ये। नेक्स्ट बात करते हैं परावर्तन सतह। फ्रेंड्स ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन कन्फर्म बनना है। एक तो समतल होता है और एक होता है स्फेरिकल। स्फेरिकल में कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव साइडों में ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है और बीच से पतला होता है, ये इमेज है। और उत्तल में क्या होता है, बीच से मोटा होता है और साइडों से पतला होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर, अगर प्लेन मिरर होगा तो इमेज कैसी होगी। फर्स्ट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और साइज, जो वस्तु का आकार होगा वही प्रतिबिंब का भी आकार होगा। नेक्स्ट इमेज जो बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, मींस आभासी और सीधी होगी। फ्रेंड्स याद रखिए जब भी वर्चुअल इमेज बनती है तो वो सीधी बनती है। नेक्स्ट है जो वस्तु की दूरी होती है, जैसे फर्स्ट हमने देखा वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है, इमेज कैसी बनती है, आभासी और सीधी। नेक्स्ट जो वस्तु की दूरी होगी वही प्रतिबिंब की भी दूरी होगी, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं ये बीच में है, जो वस्तु की इधर दूरी है वही प्रतिबिंब की भी दूरी है, दोनों 1 मीटर में है। नेक्स्ट है फोकल लेंथ पे आपको ध्यान रखना है, वो इनफिनाइट होती है, पावर 0 होती है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, नेक्स्ट हम बाद में करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट टू ईच अदर इन प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, वो परपेंडिकुलर होता है तब वाइब्रेट करता है। नेक्स्ट जो वेवलेंथ रेंज होती है एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेंज ऑफ लाइट वो कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, और हर्ट्ज में बात करें तो 10^14 से 10^12 हर्ट्ज होते हैं। फ्रेंड्स ये याद रखिए, फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है लाइट लाइज बिटवीन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो वो यूवी रेज और इंफ्रारेड के बीच में होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइट एग्जिबिट्स डुअल नेचर बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ, आपने देखा था कि वेव्स और पार्टिकल्स, इसलिए डुअल नेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कौन सा नहीं है, तो फ्रेंड्स मून नहीं है, हमने देखा था कि मून रिफ्लेक्ट होकर शाइन करता है, इसलिए ल्यूमिनियस नहीं होगा, खुद की लाइट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्क पार्ट ऑफ शेडो, ये हमने देखा था अमरा और पिनाम्रा, ये अभी हमने बात की थी अपच्छाया और उपच्छाया। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स टू एन स्मूथ सरफेस, अभी बात की थी जब लाइट आएगी और जाएगी क्लियरली तो वो स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है। डिफरेंस जान लेते हैं रियल इमेज में और वर्चुअल, मीन्स जो रियल इमेज और आभासी इमेज होती है उसमें डिफरेंस क्या होता है। फ्रेंड्स देखिए इसमें रियल इमेज पे पहले ध्यान देना है कि आप देख रहे हैं कि लाइट आ रही है और जा रही है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट पर ये मिलती हैं, इसलिए इसको कहा जाता है रियल इमेज। और ये उल्टी बनती है, इन्वर्टेड फॉर्म में बनती है ये, और जब उल्टी बनती है तो सीधी दिखाई देती है, इसलिए ये दिखाई देती है। नेक्स्ट है वर्चुअल इमेज, आप देख रहे हैं ये कहीं मिलती ही नहीं है, इधर उधर लौट जाती हैं, इसलिए इसके पिक्चर नहीं बन पाती है, इसे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है और हमेशा इरेक्ट होती हैं ये। नेक्स्ट है
कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस और इसकी पिक्चर कैसी बनती है, इमेज कैसी बनती है, हमेशा वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और स्मॉलर होती है, और कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है रियर साइड व्यू मिरर, जो आप देखते हैं गाड़ियों में साइड में शीशे लगे होते हैं, सोडियम लैंप में, और मेट्रो का जो फ्रंट मिरर होता है आप देखते हैं थोड़ा सा कर्व्ड होता है क्योंकि वो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसलिए। तो आप ये तीनों यूजेस भी याद रखेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर के यूजेस, ये भी याद रखिए। कार की हेडलाइट, ENT मीन्स ईयर नोज और थ्रॉट के जो डॉक्टर्स होते हैं या डेंटिस्ट होते हैं कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं, टॉर्च में यूज़ किया जाता है, सोलर कुकर में यूज़ किया जाता है और सर्च लाइट, इन सभी में कॉनकेव मिरर यूज़ किया जाता है। कॉन्वेक्स के बारे में हम देख चुके हैं, कॉनकेव भी हो गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्शन, फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे क्वेश्चन बन ही सकता है। ऑप्टिकल डेंसर मीडियम अगर सघन माध्यम है तो लाइट की स्पीड लेस होती है, और रेयर मीडियम है तो लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है। इसके अब डेली यूजेस के जो क्वेश्चन बन जाते हैं, डेली लाइफ से रिलेटेड जो आते हैं क्वेश्चंस, फ्रेंड्स बिहार में जनरली इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये होता है रिफ्रैक्शन की वजह से। कॉइन इन ए स्विमिंग पूल, आप देखते हैं कि अगर स्विमिंग पूल में कुछ सिक्के पड़े हों तो वे उठे हुए दिखते हैं, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है फिश इन द वाटर, कि अगर पानी में मछलियाँ होती नीचे हैं लेकिन थोड़ी ऊपर दिखाई देती हैं, रिफ्रैक्शन की वजह से। नेक्स्ट है पेंसिल इन ग्लास ऑफ वाटर, कि अगर पानी के ग्लास में आप पेंसिल डाल दें तो बीच से ऐसा लगता है टूट गई हो, लेकिन टूटी हुई नहीं होती है, सिर्फ रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसी दिखती है। बॉटम ऑफ टैंक, ये भी इसीलिए रेज दिखता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है स्टार्स की एक्चुअल पोजीशन, ये भी है रिफ्रैक्शन का रीज़न। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट व्हेन सनराइज एंड सनसेट, तो वो 2 मिनट पहले दिखने लगता है और 2 मिनट बाद भी दिखाई देता है छिपने के, फ्रेंड्स ये इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, फ्रेंड्स इसको पूरा हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसके एग्जांपल देखते हैं, और ये याद रखना है कि जो इसमें क्रिटिकल एंगल बनता है वो 90 डिग्री एंगल का बनता है, और इसके एग्जांपल है कि डायमंड शाइनिंग, आप देखते हैं जो स्पार्कलिंग होती है डायमंड में वो इसी की वजह से होती है। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश तंतु संदेश भेजने में, एंडोस्कोप में फॉर इंटरनल पिक्चर ऑफ बॉडी, बॉडी के इंटरनल पिक्चर्स के लिए जो एंडोस्कोप यूज़ किया जाता है वो भी ITR पर ही होता है। फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखिए, अगर क्वेश्चन बनता है कि रीज़न क्या है रिफ्रैक्शन का, तो फ्रेंड्स 2 अलग अलग मीडियम की वजह से रिफ्रैक्शन होता है। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपको बताना है कि जो डे 2-2 एक्चुअल मिनट से ज़्यादा दिखाई देता है, 2-2 मिनट, तो वो कितना लंबा हो जाता है एक्चुअल डे से, इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हम अभी देख चुके थे, चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है अलग अलग मीडियम में। फ्रेंड्स एक जनरली याद रखना है रिफ्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि 2 अलग अलग मीडियम होते हैं तो लाइट की स्पीड ऑब्वियसली चेंज होनी है, इसलिए रिफ्रैक्शन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पावर ऑफ लेंस, फ्रेंड्स वैसे इसका यूनिट ही पूछा जाता है, और पावर ऑफ लेंस का हम पहले भी जान चुके हैं क्या है, डायोप्टर, फ्रेंड्स ये याद रखिएगा डायोप्टर। और अगर इसे नॉर्मली निकालने के लिए तो P = 1/F होता है, और F क्या होता है फोकल लेंथ, F अगर 50 सेंटीमीटर है तो P हो जाएगा 1 = 1/2, तो ये होगा P = 2 डायोप्टर। फ्रेंड्स सिर्फ इसका यूनिट आपको याद रखना है पावर ऑफ लेंस डायोप्टर। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्पर्सन की, रिफ्रैक्शन हम देख चुके हैं, रिफ्लेक्शन हम देख चुके हैं, अब बात कर रहे हैं डिस्पर्सन, वर्ण विक्षेपण जो होता है। ये सनलाइट में 7 कलर्स होते हैं, और सनलाइट को वाइट लाइट भी कहा जाता है, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। और वर्ण विक्षेपण होता क्यों है, क्योंकि सभी कलर्स की स्पीड अलग अलग होती है प्रिज्म में, जैसे ये बीच में प्रिज्म है, और अब जब सनलाइट आएगी तो एक बीच से एक अलग अलग कलर्स की लाइन दिखाई देती है। फ्रेंड्स इसको याद करने के लिए आप ये भी याद कर सकते हैं विब ग्योर, ये हम बचपन में भी काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड कलर। नेक्स्ट इसमें इम्पॉर्टेंट है हाईएस्ट वेवलेंथ जो होती है वो रेड कलर की होती है, इस तरह के क्वेश्चन फ्रेंड्स बनते हैं, हाईएस्ट वेवलेंथ रेड कलर की होती है और लोएस्ट होती है वॉयलेट कलर की।
और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है कि जितना भी वेवलेंथ होगी उसकी 1/फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है मैक्सिमम डिस्पर्जन, वॉयलेट कलर में होता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम होती है, और रेड कलर में मिनिमम डिस्पर्सन होता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ जब कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है डिस्पर्सन नहीं हो पाएगा ज़्यादा। इन वैक्यूम और एयर स्पीड ऑफ वाइट लाइट इक्वल होती है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन याद रखिए, पॉइंट वाइज हमने यहाँ सब रखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। वाइट लाइट होती है तो इक्वल होता है, और प्रिज्म में अगर आ जाता है तो रिफ्रैक्शन होता है जिससे स्पीड जो होती है कलर्स की वो अलग अलग हो जाती है, इसीलिए उसका चेंज हो जाती है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। नेक्स्ट है रेनबो। फ्रेंड्स रेनबो से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता ही है। रेनबो का प्राइमरी रीज़न क्या होता है, वो होता है डिस्पर्सन होता है। फ्रेंड्स याद रखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पॉइंट में क्वेश्चंस को हमने यहाँ लिखा है। ऑपोजिट ऑफ सन ऑलवेज फॉर रेनबो। नेक्स्ट वाटर ड्रॉपलेट इन रेनबो प्रिज्म की वजह से। नेक्स्ट है प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो, दो रेनबो होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। फ्रेंड्स प्राइमरी में क्या होता है, दो बार अपवर्तन होता है और परावर्तन सिर्फ एक बार होता है इसलिए वो क्लियर होता है। सेकेंडरी रेनबो में दोनों चीज़ें दो बार होती हैं, अपवर्तन भी और परावर्तन भी, इसलिए वो ब्लर होता है। फ्रेंड्स याद रखिए पहला वाला क्लियर होता है और दूसरा ब्लर होता है। कौन सी तीन चीज़ें हैं जो रेनबो में इन्वॉल्व होती हैं, तो रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन और TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तीनों चीज़ें होती हैं रेनबो में। लेकिन इसका प्राइमरी रीज़न जो होता है वो डिस्पर्सन होता है, होते इसमें तीनों फेनोमेनन है लेकिन प्राइमरी रीज़न इज डिस्पर्सन। अब बात करते हैं प्रकीर्णन की, स्कैटरिंग। फ्रेंड्स ये टोटली डिपेंड करती है वेवलेंथ पर। फ्रेंड्स याद रखिएगा प्रकीर्णन वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, इसमें लाइट और डिफरेंट वेवलेंथ। फ्रेंड्स रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन इन सब का, ये रेड का मैक्सिमम वेवलेंथ होती है और वॉयलेट कलर की मिनिमम वेवलेंथ होती है। क्वेश्चन बन जाता है कि स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसमें जो होता है स्कैटरिंग होती है, लाइट होती है और स्कैटरिंग होती है तो ब्लू कलर अपीयर होता है। नेक्स्ट है सन, और सन जब छिपता है और सन जब उगता है तो उसका कलर रेड होता है, क्यों, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, उसमें स्कैटरिंग नहीं, रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो इसीलिए रेड कलर का दिखाई देता है सन और राइस। लेकिन आप दोपहर में देखेंगे तो सन का कलर वाइट दिखाई देता है क्योंकि स्कैटरिंग उस टाइम पर नहीं हो पाती है, डिस्टेंस ज़्यादा होता है। रीज़न भी याद रखेंगे फ्रेंड्स, सन का कलर दोपहर में वाइट क्यों होता है, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो स्कैटरिंग नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है टिंडल इफेक्ट। फ्रेंड्स आपने पेपर में देखा होगा, डायरेक्ट पूछा जाता है टिंडल इफेक्ट क्या होता है। वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट, कि कोई भी पेड़ है आप देखते होंगे कि पेड़ के नीचे बैठ जाए तो जहाँ से लाइट आती है ऐसा लगता है एक रोड से आ रही हो, एक वे से आ रही हो, यह रूम बंद है विंडो खुली है, विंडो में से जब लाइट आती है तो उसका एक पाथ दिखाई देता है, इसी को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। डिफ्रैक्शन क्या होता है कि लाइट आती है और बीच में एक ऑब्स्टेकल आ जाए तो लाइट इस तरह से साइड से चली जाती है, इसी चीज़ को विवर्तन कहा जाता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा ऑब्स्टिकल इन ए वे ऑफ लाइट। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि साउंड में लाइट से ज़्यादा डिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन इज साउंड इज मोर देन द लाइट। व्यतिकरण क्या होता है, फ्रेंड्स ये भी बन जाता है, इसमें सेम फ्रीक्वेंसी होती है और सेम एम्पलीट्यूड होता है, आयाम और आवृत्ति दोनों बराबर होते हैं। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, केरोसिन ऑयल आपने देखा होगा पानी पर कलरफुल दिखाई देता है कॉज ऑफ इंटरफेरेंस, या सोप के जो बबल होते हैं या झाग होते हैं फोम होता है वो भी कलरफुल दिखाया जाता है, दिखाई देता है क्योंकि उसमें इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो कॉज ऑफ इंटरफेरेंस। नेक्स्ट है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन फ्रेंड्स आप अपने रूम में डायरेक्ट देख सकते हैं कि एक ट्यूबलाइट अगर जल रही है तो उसकी लाइट पूरी अगर इस तरह आएगी सीधी लाइन में, ये एक ट्यूबलाइट है आपके रूम में और तो लाइट आएगी तो पूरे में इस तरह फैलेगी, लेकिन अगर पोलराइजेशन होता है
ये लाइट तो एक वे से आती है, एक डायरेक्शन में आती है, इसी को पोलराइजेशन कहा जाता है। इसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है कि 3D ग्लास है या कार की विंडो का जो ग्लास है, तो उसमें डायरेक्ट आने के लिए होता है कि एक डायरेक्शन दी जाती है स्पेशल, इसी को पोलराइजेशन कहते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन है जो हमने अभी पढ़ा उसी से रिलेटेड, जो आ चुके हैं अभी तक बिहार में। मिरर्स इज फॉर्म ड्यू टू, ये हम पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, TIR या नन, ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है द कलर ऑफ सन इज रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, हम पढ़ चुके हैं और ये होता है स्कैटरिंग की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, फ्रेंड्स हम ये भी पढ़ चुके हैं, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम। नेक्स्ट है इफ़ द मैग्निफिकेशन इज -2 विच इज़ करेक्ट, फ्रेंड्स इस तरह के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट इसका याद रखें इमेज इज रियल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड होती है। फ्रेंड्स इसका PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो हम अभी कवर नहीं कर रहे हैं, बट आप PDF से पढ़ सकते हैं, काफ़ी सारे 50+ क्वेश्चन हैं लाइट के। तो गाइज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड थैंक यू, बाय बाय, शेयर विद ऑल।